नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के सीमावर्ती क्षेत्र अटारी के गांव मेनिया राजपूता के खेतों में एक नौजवान का मिला शव, पारिवारिक सदस्यों ने हत्या का लगाया आरोप। जालंधर सीआईए स्टाफ की पुलिस ने 3 नशा तस्करों को किया काबू, 410 ग्राम हेरोइन एक कार की बरामद। धूरी पुलिस ने नाजायज हथियार रखने के संबंध में 2 लोगों को किया गिरफ्तार, 32 बोर का देसी पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस किए बरामद। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के सीमावर्ती क्षेत्र अटारी के गांव मेनिया राजपूता में खेतों में से एक नौजवान का शव मिला है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मृतक के रिश्तेदार ने बताया कि उनके लड़के का पुरानी रंजिश के कारण कत्ल किया गया है। वह 16 दिसंबर की रात को घर से निकला था। घर से निकलते समय उसके पास एक मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल था। जब वह 2 दिन तक वापस नहीं आया तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया, जिसके बाद उसकी लाश गांव के साथ लगते खेतों में दबी हुई देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को जमीन में से बाहर निकलवाया। मौके पर पहुंचे पुलिस जांच अधिकारी करमपाल सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, जिसके बाद बनती कार्यवाही की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सर, ये ना 16 तरीक नू संगरांद वाले दिन शुक्रवार शाम नू 5:30 बजे के करीब घरों गया वा। ये स्पलेंडर मोटरसाइकिल आ PB46AC5350 नंबर मोटरसाइकिल, एक ये कोल मोबाइल फोन है जी, आईफोन। ये सर लैके घरों गया वा तो रात भर मतलब के अलग गया इन्हों का घर साढ़े नालों, रात भर ये घर नहीं आया, ये वेट करात करता रहा वा वो। तो सवेर होने इन्हें सानू दस्या कि आ गल हुई आ, मेरा जरा वा बेटा वो घरें नहीं आया। तो सर 18 तरीक नूं असीं गए हाँ थाणा घरेंडा विखे जाके, तो जिहड़ी रिपोर्ट दर्ज कराई गई जी, तो 20 तरीक नूं उन्होंने फाइनल रिपोर्ट जिहड़ी वो दर्ज की है जी लापता की। हाँ जी, तो कल भौंके मतलब कि हफ्ते बाद शुक्रवार ही शाम नूं साढ़े पिंड दे जिहड़े कुछ व्यक्ति सी वह कुत्तियां दे नाल शिकार खेडन आए, तो उन्होंने जाके तो पिंड जाके सरपंच नूं तलाह की आ कि उत्थे जिहड़ी डेड बॉडी वो मतलब हैगी आ किसी इंसान की, ते उहदी जा के ते वेखीए। ते सरपंच साहब ने अफसर साहबाना नूं पुलिस मुलाजमान नूं भी जिहड़ा वा सूचित कीता वा, नाल BSF दे जवान भी सी। ते फिर उन्हां ने आ के ते मतलब इहने वीर ने जिहदा बेटा सी इहने उहदे बूट की शनाख्त की आ कि बूट मेरे लड़के का है, मफलर जिहड़ा गल च पाया वो मेरे लड़के का है, लागे पिया सी टोपी जिहड़ी मेरे लड़के की है। हाँ जी, इस तरह शनाख्त हुई है जी। ते अज जदों डेड बॉडी उहदी अफसर साहबान उच्च अफसर आए ने उन्हां दी हाजरी दे विच, तहसीलदार साहब आए ने उन्हां दी हाजरी दे विच, जिहड़ा ये बॉडी मतलब पुट्टी गई आ ते उहदे विच उहदे सज्जे हथ ते टैटू सी, उह टैटू दा निशान भी जिहड़ा उह मिलिया जी, इस करके उहदी शनाख्त हो गई आ कि उह इहनां दा बेटा जसविंदर सिंह सी। सर मंग इहो करदे आ जिस भी इंसान ने कीता है, ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਸਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਸਰ 19 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਵਾਰਾ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹੋ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਕਲੋ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣੇ ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਭਰਾ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਲਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਅਫਸਰ ਸਬਾਨਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ 1-2 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਆਇਆ ਗਿਆ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੱਕ ਸਰ, ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਘਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ
ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਜਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਮਨਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਬੋਲਚਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਸਰ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਸੀ ਭੈਣੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ, 19 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਲਾਪਤਾ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਮੌਤ ਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਜਿਸ਼ੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ? ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ, 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਬੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ? ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਾਲੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਾਂ ਕਢਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡੰਪ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। जालंधर सीआईए स्टाफ के पुलिस ने 3 नशा तस्करों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीआईए स्टाफ के इंचार्ज अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस ने गश्त के दौरान एक i10 कार में सवार नौजवानों को आते हुए देखा, जो पुलिस पार्टी को देखकर एकदम से पीछे की तरफ मुड़ने लगे, लेकिन पुलिस पार्टी ने इन्हें काबू कर लिया, जिनकी पहचान प्रिंस कुमार उर्फ प्रिंस निवासी हैबोवाल कलां थाना जगतपुरी जिला लुधियाना, तरुण कुमार उर्फ तरुण निवासी भादर के काराबारा चौक जालंधर बाईपास जिला लुधियाना और पुनीत सिंह उर्फ दमन निवासी संजय गांधी कॉलोनी चंडीगढ़ रोड लुधियाना के तौर पर हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 410 ग्राम हेरोइन भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ये साढ़े मानयोग सीपी साहब, कमिश्नर जालंधर एस गुप्ती सर की जिहड़ियां गाइडलाइनस हैं, डायरेक्शन है, जो गैंगस्टर और NDPS के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई है, उस मुहिम के तहत साढ़े CI की टीम ने ADCP कमलप्रीत सिंह, ACP परमजीत सिंह, सब इंस्पैक्टर अशोक कुमार इंचार्ज CIA, इन्होंने एक अच्छा काम किया। इन्होंने जो 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, उन्होंने को 410 ग्राम हेरोइन जी बरामद की है, तो एक i20 जी कार, उन्होंने की गिरफ्तारी पाई है। उस अगर फरदर जी है वो इन्वेस्टिगेट कर। सर बंदे कितों के रहने वाले हैं? सर ये तिने बंदे जो लुधियाने के रहने वाले हैं। सर जलंधर की इन्हों का कोई नैटवर्क है? किस तरह जलंधर से किसी को देने आए थे, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो भी अच्छी अच्छी असं फरदर कर रहे हैं। इन्होंने जलंधर को गिरफ्तार किया। सर पहले भी इन्होंने परचा है कोई? धूरी पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब पुलिस ने समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत 2 लोगों को नाजायज हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए SHO धूरी ने बताया कि जिला संगरूर पुलिस प्रमुख के दिशा निर्देशों के तहत समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 32 बोर का देसी पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पकड़े गए व्यक्ति इस हथियार के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए, जिसके चलते उन पर नाजायज हथियार का मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। धूरी से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। सर जी अजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कीती की मकसद? यह मानयोग SSP साहब श्री सुरेंद्र लांबा IPS जी के दिशा निर्देश हेठ जो सू समय समय सिर हदायत आदि ने गियाँ, वो तहत कल असी नाकाबंदी की हुई सी शाम को, तो सानू उत्थे एक मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति सीगे, उन्होंने कोलों सानू एक देसी 32 बोर का पिस्टल ते 5 जिंदा कारतूस बरामद होए ने, जिन्हां संबंधी वो नजायज असला सीगा, तो वो कोई असले संबंधी लसेंस पेश नहीं कर सके, तो वो संबंधी असी ने उन्होंने रिकवरी की, उन्होंने कोलों नजायज असला कोई वारदात वरतते नहीं, तो
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਰਮਾ, ਇਹ ਦੋਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਰਾਹੁਲ ਉਰਫ ਮਿੱਠਾ, ਇਹ ਲੰਕਾ ਬਸਤੀ ਧੂਰੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਸਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਬੋਚਿਆ ਉੱਥੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 5 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਕਰਮਾ ਇਹ 20 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਹੈਗਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ੀਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲਏ ਨੇਗੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਤੋਂ। ਸਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ 1959 ਦੀ 25 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, 25-53 ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। अपने गानों के अलग अलग अंदाज से जाने जाने वाले जैजी भी नववर्ष के अवसर पर सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु चरणों में अरदास की कि पंजाब नववर्ष में उन्नति और तरक्की की राह पर चले। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए जैजी भी ने कहा कि जब भी वे सचखंड श्री दरबार साहिब में पहुँचते हैं, उनके द्वारा हमेशा ही यह कोशिश की जाती है कि किसी भी व्यक्ति को परेशानी ना आए और मीडिया से दूरी बनाकर रखी जाए। उन्होंने कहा कि सचखंड श्री दरबार साहिब में पहुँचने पर उन्हें हमेशा ही रूहानियत का एहसास होता है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। देखो जी, हरिमंदर साहब यहोजी जगह जदों अंदर बंदा एंट्री करता ना, सारी दुनिया भुल जाती है। सो जदों भी इत्थे आईदा बहुत चंगा लगता, तो मेरी कोशिश हुंदी आ वी ना ही किसी नूं दस्या जावे परसनली विजिट है, क्योंकि इत्थे मत्था टेकना बहुत वड्डी गल है, खास करके बाहरले मुल्कां तों जिन्ने भी आउंदे ने सारे। सो अज बस शुकराना ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਿਆਰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਸ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਮੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕੇ ਅਵਸਰ ਪਰ SP ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਔਰ DCPO ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਵ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ ਕੀ ਅਗਵਾਈ ਮੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀਓ ਮੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਕੇਕ ਕਾਟ ਕਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਔਰ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀਓ ਮੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਾਂਟੇ ਗਏ। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए DCPO जसवंत कौर ने बताया कि गरीब तथा ज़रूरतमंद बच्चे जो झुग्गियों में रहते हैं, उन्हें गर्म कपड़े और अन्य जगहों पर ज़रूरतमंद लोगों को घरेलू राशन बांटा गया है। उन्होंने समाज सेवी संस्थाओं को ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आकर सेवा करने की अपील भी की। इस मौके पर थाना चंडियाला गुरु के SHO इंस्पेक्टर मुख्तियार सिंह, ASI रंजीत सिंह, ASI हरदयाल सिंह, हेड कॉन्स्टेबल दविंदर सिंह, कवलजीत सिंह और मनिंदर सिंह भी मौजूद रहे। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। उपराला कर रहे हैं SSP मानयोग SSP साहब अमृतसर दिहाती, DCPO साहब मैडम जसवंत कौर जी, तो मुख्य अफसर थाना जंडियाला, सांझ केंद्र इंचार्ज जिला सांझ केंद्र इंस्पैक्टर मनजिंदर सिंह जी, तो मैं कुलदीप सिंह जी रियाड़ सुपरविजन अफसर जंडियाला गुरु। ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਟੀਆਂ ਸਵੈਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਹੈਗੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਠਰੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਟਰਾਂ ਕੋਟੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਕ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ DGPO ਦੇ DCPO ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਖੁਦ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਵੈਟਰ, ਕੰਬਲ, ਲੋਈਆਂ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ।
हाँ जी समाज सेवी संस्था जिहड़ियां उन्होंने कहना चाहिए तुम वध तो वध अगे आउण कि गरीबों का सहारा बनीए। इन्हां नूं बहुत जरूरत है, हर एक देखो पहुँच नहीं पैंदी कि कोटी स्वैटर ला के इन्नी महंगाई में पाया जा सके, तो उन्होंने समा जिन्हें भी समाज सेवी ने यह भी जरूर उपराला करन जी। नहीं ये साडे पहला भी उपराले असीं करदे आ रहे हैं, पहला भी साडे जिहड़े आ ना जाके झोंपड़ियां दे विच असीं जिहड़े गरीब बच्चे आगे उन्हां नूं असीं कंबल भी वंडदे आ रहे हैं, तो राशन भी कई जगह असीं राशन भी वंड रहे हैं। ये तो हर एक ही उपराला करना चाहिए कि वे सर्दी को मुख रखते हुए जिमें कि अपन रोड से भी जिन्हें कि मैं ये भी एक नाल करांगी कि जिमें धुंध जी बहुत ज़्यादा पै रही आ, तो हर एक यही मैं मैसेज कन्वे करा कि जिन्या भी संस्था वा कि जोड़े भी व्हीकल आ गए उन्होंने रिफ्लैक्टर भी लाए जाए ता जो कि जोड़े भी साढ़े एक्सीडेंट वगैरह होंगे वो एक्सीडेंट होने तो बचाव हो सके, तो जोड़े बच्चे जोड़े रोड के उपर आ उन्होंने भी वो तो वह स्वैटर कोटिया जिमें कोविड का दोबारा फिर आ रहा वा तो कोविड को मुख रखते हुए इन्होंने बच्चों की जी सर्दी लगती और तो बचाया जा सके। पंजाब सरकार की ओर से पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान पूरे पंजाब के अलग अलग सरकारी स्कूलों में बच्चों के माता पिता की ओर से अध्यापकों के साथ मुलाकात की गई और इस दौरान पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए स्कूल के अध्यापकों ने बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से छुट्टियों से पहले बच्चों के माता पिता से मुलाकात करने के लिए मेगा पीटीएम रखी गई है, जिसके तहत उनकी ओर से विद्यार्थियों के परिवार के साथ बातचीत करके छात्रों की पढ़ाई संबंधी बात की गई और छुट्टियों के दौरान उन्हें जो काम दिया गया उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। छुट्टियों के दौरान बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी करवाई जाएगी और जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं उनके माता पिता को बच्चों की पढ़ाई की और ध्यान देने के लिए भी कहा जा रहा है। इसके साथ ही स्कूली अध्यापकों ने कहा कि वे अपने तौर पर भी महीने में एक बार बच्चों के माता पिता से जरूर मिलते हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई संबंधी बातचीत की जा सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। पीटी मीट रखी गई है, उसके विच पेरेंट्स का उत्साह बहुत वधिया है। काफ़ी साढ़े पीटी मीट का समा 10 तो लैके 3 बजे तक है, साडा स्टाफ 9:30 बजे स्कूल पहुँच चुका सी और 9:30 बजे तो बाद ही पेरेंट्स आने शुरू हो गए, तो जिस दिन असी अपने पेरेंट्स नूं उन्होंने बच्चों के विद्यार्थियों बारे जानकारी दी गई किहड़े किहड़े इस वेले लैवल से चल रहे हैं उन्होंने पढ़ाई बारे उन्होंने दस्या गया, बच्चों ये भी उन्होंने माता पिता ने भी दस्या गया भी इन्हों छुट्टियों जिहड़ा जिहड़ा काम करवाना है किस तरह करवाना है। उन्होंने घरां विच रीडिंग कॉर्नर बनाने लई कहा गया, उन्होंने बच्चों के विषय बारे सारा कुछ उन्होंने दस्या गया, तो उन्होंने नाल ही जिहड़ा करोना अजकल वध रहा उसे बारे भी उन्होंने जागृत किया गया जी। अक्सर ही प्राइवेट स्कूलों से हर हफ्ते जी है बच्चों के माता पिता बुला के गलबात की जाती है, हम सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री वालों ये उपराला जिहड़ा किया गया किस तरह का उपराला लगता है? ये बहुत वधिया उपराला वा, ये सानू टीचर नूं भी बहुत हैल्प मिल रही है, पेरेंट्स आ रहे हैं और एक पेरेंट्स ते टीचर दे तालमेल नाल जिहड़ा बच्चों के जिहड़ा ही विद्यक मकार काफ़ी उच्चा चुक्या जाएगा और सानू भी काफ़ी हैल्प होएगी ताकि जिहड़े बच्चे दे वधिया पढ़न नाल साडे स्कूल का भी रिजल्ट वधिया आएगा जी। तो हुण किन्नियां छुट्टियां स्कूलों दे विच ते किन्नी तरीक तो बच्चे जिहड़े दोबारा जिहड़ियां 25 तरीक तो लैके 1 तरीक तक छुट्टियां कीतियां गईयां, 2 तरीक तो स्कूल लगनगे और बच्चे फिर स्कूल आउणगे। इस जिस संबंधी करोना नूं वेखदे होइआं बच्चों नूं असीं सारिआं नूं कहा वा भी तुसीं घरां 'च अपना ध्यान रखो और 2 तरीक तो जो तुम स्कूल आना है तो मास्क लगा के स्कूल आओ। हजे तो पंजाब के मुख्यमंत्री वालों जी है मेगा पीटी मीट बुलाई गई अज, इस तो इलावा स्कूल वालों अपने पद्धर से भी कभी मीट इस तरह बुलाई गई? हाँ जी, स्कूल वालों भी अपने पद्धर से हर महीने के अखीर में जो महीना खत्म होंगे महीने की लास्ट तरीक न असी पीटी मीट करते हैं बच्चों को सद्दे हैं तो उन्होंने असी लैवल बारे दसते हैं। ये स्कूल का नाम है सरकारी एलीमेंट्री स्मार्ट स्कूल माल रोड ब्लॉक अमृतसर 2। बड़ा वधिया रिस्पोंस है सरकार वालों जिहड़ियां सानूं वधिया हदायतां मिलियां ने असीं उहनां दा अनुसरण करदे होए स्कूल दे विच जिहड़ी मैगा पीटी मीट रखी है तुसीं देख ही रहे हो कि किन्ना वधिया रिस्पोंस मिल रहा। सवेर दे 10 वजे तों पहलां ही साडे कोल बच्चे दे पेरेंट्स आने शुरू हो गए सीगे, असीं वी उहनां दा बड़ा वधिया उत्साह दे नाल स्वागत कीता है। बच्चे बैठे ने, पेरेंट्स भी आए ने नाल, इन्नी ठंड होण दे बावजूद भी सारे बच्चों ने पूरा मतलब शामिल होए ने ते असीं उहनां दे नाल पूरियां स्कूल दीआं उहनां दीआं जिन्ना सारा साल उह साडे कोल रहे ने पूरी कारगुजारी उन्होंने शेयर की है, तो माँ प्यो ने भी दसया गया कि सानू सरकार वालों किन्नियां वध सहूलतां मिल रही ने ते असी उन्हों दा पूरा उहदी वरतों करते हुए बच्चों को उन्नति दे राह ते लेके जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी काम काज करने के लिए लोगों को घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है।
बता दें कि इस बार पंजाब राज्य में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और कोहरा भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, जिस वजह से कामकाज करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। इस बारे में जब लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन घर परिवार चलाने के लिए उन्हें घरों से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। चाहे जितनी मर्जी ठंड क्यों ना हो, कामकाज करने में दिक्कत तो आ रही है, लेकिन काम करने के लिए घर से निकलना ही पड़ता है। वहीं दूसरी ओर ट्रक ड्राइवर का कहना था कि कोहरे की वजह से ट्रक चलाने में दिक्कत होती है, लेकिन जब उन्हें लगता है तो वे अपना ट्रक साइड में लगा लेते हैं और अपने ट्रकों के इंडिकेटर चला कर रखते हैं। उन्होंने दूसरे ट्रक ड्राइवरों से भी अपील की कि वे इन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि कोई दुर्घटना ना हो। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। कहना चाहते हैं ठंड बहुत जरूरी है जी, ये फसलों भी नुकसान होंगे जी, उस करके फसलों बचन गियाँ, फसलों का झाड़ झूड़ बधूगा, ठंड पैनी बहुत जरूरी है जी इस करके। बाबा जी कहते कि इस बार ठंड बंद पैनी है, तुम तो पहला भी ठंडा देखते हैं, लगता है कि इस बार ठंड जी ज़्यादा पै रही है? हाँ ठंडा जी पै रही है, कुदरती सोमे है, पैनी चाहिए ठंड। एक वो तो वो जी नशा करके गड्डिया के इंडिकेटर वगैरह सारे होने चाहिए ने, गड्डी की स्पीड घट तो घट होनी चाहिए अपनी लिमिट के अनुसार। मेरा नाम भुपिंदर सिंह। ठंड बहुत पै रही, कितना देख रहे ठंड? ठंड तो बहुत पै रही है, घरों निकलना तंग है, तो टाइम सर पहुँच नहीं होंगे ड्यूटी से, भी ड्यूटी तो भी लेट जा होता है, तो जाना जरूरी है क्योंकि सब तो पहला ड्यूटी जरूरी है। हाँ जी वो तो जरूरी है, पर इदा ना कि आप हर साल की तरह अपनी एज अपनी घटती है, वो कारण आप लगता कि ठंड बहुत ज़्यादा है, ना कि हर साल ठंड भी आती है तो गर्मी भी पैंती है। लगता कि जो बाहर अंदर जाना ट्रेन या बस का सफर करो, यानी कि गड्डिया अपनी ना इस्तेमाल करो? हाँ जी हाँ जी वो तो है, पर धुंध के हिसाब के नाल आपां नूं गड्डी दी मीटर रेटिंग वधाउणी चाहिए है, क्योंकि जे ज़्यादा तो होंदा ना तो आपां नूं हौली 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 तुरनी चाहिए है। जी ज़्यादा दिमाग जाता कि जरूरी काम मैं ताही करो बाहर निकला वरना रहन दिंदा जी? नहीं नहीं इदां दी नहीं गल, क्योंकि काम जरूरी सब तो पहला काम, ठंड नहीं आपां ठंड नहीं मननी, काम जरूरी मनना पहला, क्योंकि जिहदे सिर तों आपां रोटी खांदे आ। भाजी सर काम नहीं करांगे तो खावांगे कित्थों, तो साढ़े बच्चे वगैरह जिद फिर मौके तो उन्होंने पैर कि पाने, बस रब के नाल तुरी जाते पे आ गड्डी वाले साढ़े माँ बाप है जो साढ़े को कम कराते रहेंगे है, ठीक इन्होंने सारे आप घूमते है, आज इन्होंने भी कोई कम नहीं है, जिन्हों कोई गड्डी वाले पूछे कोई कहता जी एस टी ला रखी, कोई कहता टैक्स ला रखा, कोई कहता साढ़े कोम नहीं है, कोई कहता साढ़े को गेड़े नहीं है, जो वो कमाएंगे तो साढ़े कम आएंगे। हम सर दसो हूँ की इलाज करिए, लगता फर्क पड़ता काम कर? हाँ जी सर काम करने फर्क पैंता ठंड सर बहुत ज़्यादा ठंड पैंती, करो बाहर लिखने का मन नहीं करता साडा, तो सानू लिखना पैंता सर, आ जाओ असं हम एटम का काम कर रहे हम करना पैना वो तो काम और दसो। तो गल करा तो एल की कहते धुंदा भी पहला आ गई है, लगता है कि इन्हें भी दिक्कत आ रही है कोई हाईवे से निकलना? सर बहुत दिक्कत आ जाती है हाईवे से, बंदा नज़र नहीं आता, तो सानू अपन काम तो लिखना पैंता है, तो अज कम तो चले गया तो साड़ा चूल्हा चढ़ जाऊगा तो नहीं चढ़ूगा, बस यही प्रॉब्लम आ जाती सर। शाइनिंग स्टार स्कूल का पहला वार्षिक समारोह आर्ट गैलरी ऑडिटोरियम अमृतसर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 400 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। इस अवसर पर विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर दीप प्रज्वलित कर इस समारोह की शुरुआत की। इस दौरान स्कूल के प्ले बैन के छात्रों ने विविध सांस्कृतिक और धार्मिक त्योहारों को मनाने के महत्व पर जोर देते हुए एक शानदार नृत्य भी पेश किया। इसके अलावा अलग अलग कक्षाओं के छात्रों द्वारा भी कार्यक्रम पेश किए गए। इस अवसर पर स्कूल की प्रिंसिपल सोनल गुप्ता ने कहा कि छात्रों को छोटी आयु से ही इस प्रकार के मंच प्रदान किए जाने चाहिए ताकि वे किसी भी प्रकार के मंच से अपना डर या झिझक दूर कर सके जो उनके विकास में बाधा बन सकता है। इस अवसर पर बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਸਕੂਲ ਜੋ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਨੁਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਐਨੁਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਹਿਮ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਈਟਮਸ ਦਿਖਾਏ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭੰਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੌਜੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਲ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਮੇਰੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਮੰਦਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੇ ਸਪਤਾਹਿਕ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮੇ ਅਨੁਪਮ ਖੰਨਾ ਔਰ ਸਾਰਿਕਾ ਖੰਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਯਜਮਾਨ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਕਰ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਦ ਮੰਤਰੋ ਸੇ ਹਵਨ ਯੱਗ ਮੇ ਆਹੂਤੀਆਂ ਡਾਲੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਵਿਦਵਾਨ ਆਚਾਰਿਆ ਸੁਸ਼ੀਲ ਆਰਿਆ ਨੇ ਵਿਧੀਵਤ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰ ਯੱਗ ਕੋ ਸੰਪੰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਜਨ ਗਾਇਕ ਸੋਨੂ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਮਧੁਰ ਭਜਨੋ ਕਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਉਪਸਥਿਤ ਸੰਗਤ ਕੋ ਮੰਤਰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਆ ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਲਖਨਪਾਲ ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਆਰਿਆ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਭੀ ਭਕਤੋ ਕਾ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਆ ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਸੁਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਲੀਏ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਹੈ ਆਪ ਉਸੇ ਬਿਨਾ ਮਾਂਗੇ ਸਵਯਂ ਹਮਾਰੀ ਝੋਲੀ ਮੇ ਡਾਲਤੇ ਚਲੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਆਪਕੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਛਾਇਆ ਮੇ ਪਰਮ ਸੁਖ ਕਾ ਵਾਸ ਹੈ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮ ਆਪਸੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਤਹ ਕਾਲੀਨ ਵੇਲਾ ਮੇ ਇਸ ਯਜ पवित्र यज्ञशाला में बैठकर यज्ञ करते हुए आपसे मंगल आशीष की कामना करते हैं हे परमपिता परमात्मन आप परम जीवन है परम अस्तित्व है आप ही से ये सारा संसार है आप ही से ये सारा जीवन है हे परमपिता परमात्मन हम आपको इस जीवन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कोटि कोटि नमन करते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है जो आज हमारे बीच में हमारे परिवार की बिटिया अपने नए परिवार के साथ ससुराल परिवार के साथ आज हमारे यहाँ यज्ञशाला में बैठी है और यज्ञ किया मैं सोनू भारती से प्रार्थना करूंगा कि वो आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं और भजनों की श्रृंखला से ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उसके उपरांत आचार्य जी के प्रवचन होंगे और आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आज प्रसाद और प्राय राशि का प्रबंध किया गया है इस आर्य परिवार की तरफ से आप सभी प्रसाद और प्राय राश ग्रहण करके जाइए जालंधर विहार कॉलोनी कपूरथला रोड स्थित मां बंगलामुखी के निर्माणाधीन मंदिर परिसर में मां बंगलामुखी धाम समिति की ओर से मासिक हवन यज्ञ करवाया गया इस दौरान जालंधर विहार जय मां बंगलामुखी जी के जयकारों से गूंज उठा वहीं मां बंगलामुखी के श्रद्धालु हवन कुंड से उठी ज्वाला को देखकर रोमांचित हो गए और सारा माहौल मां पीताम्बरा के रंग में रंग गया हवन यज्ञ में कमेटी के संस्थापक सीसी महेंद्रू ने कहा कि मां बंगलामुखी के विशाल मंदिर के निर्माण में बढ़ चढ़कर सहयोग दें इस मौके पर गुरु मां जीनत भूमिका एडवोकेट मानव महेंद्रू रजनीश चौधरी सत्येंद्र गांधी मास्टर परसराम लव बराड़ सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट जयकारा बंगलामुखी माई जी दा बोल साचे दरबार की जय श्री सीसी महेंद्रू जी बाबू जी जो हमारे हैं उनकी देखरेख में धर्म के कार्य जो ऐसे ही बगलामुखी का हवन हर महीने के अंतिम रविवार को संपन्न होता है और आज भी भक्तों ने बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग दिया है और इसी तरह ही हम उम्मीद करते हैं कि इलाका निवासी इसी तरह ही हमारे धर्म कार्य में जो सहयोग करते रहे मंदिर का निर्माण कार्य जारी है और जो भी धर्म के कार्य होते हैं वो बूंद बूंद से ही घरा बढ़ता है सबके सहयोग से ही होते हैं हमारी बगलामुखी धाम की
समिति की तरफ से सबको प्रार्थना है कि सब का अपना सहयोग किसी भी रूप में वो दे, वो आ सकते हैं हवन महीने के अंतिम रविवार को। जयकारा बगला मुखी माई जी दा। बोल साचे दरबार की जय। फिरोजपुर में ईसाई भाईचारे ने मिलकर क्रिसमस का त्यौहार अलग अलग चर्च घरों में बड़े ही जोशों खरोश से मनाया। इसी कड़ी में कैना गैलीली मिनिस्ट्री की तरफ से एक निजी पैलेस में मसीही भाईचारे और सभी धर्मों के लोगों ने प्रोग्राम में शामिल होकर प्रभु यीशु मसीह का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर कैना गैलीली मिनिस्ट्री के प्रधान अजमेर मसीह ने कहा कि हर साल प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के अवसर पर उनकी संस्था की तरफ से ज़रूरतमंद लड़कियों के विवाह करवाए जाते हैं और घरेलू सामान देकर प्रभु यीशु मसीह की कृपा से घर बसाने की व्यवस्था की जाती है। उन्होंने ईसाई भाईचारे को बड़े दिन की बधाई दी। इस आयोजन पर फिरोजपुर भाजपा के प्रधान हीरा सोडी ने भी अपनी हाजिरी लगवाई। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के लोगों को आपस में प्रेम भाव से मिलकर रहना चाहिए और ऐसे त्यौहार मिलकर मनाने चाहिए। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। मैं आज कान्हा गलीर मिनिस्ट्री वालों कान्हा गलीर मिनिस्ट्री के फाउंडर होने दे अजमेर मसीह अज इस मीडिया के द्वारा सारे फिरोजपुर वासियों पूरे पंजाब के और पूरे भारत वासियों इस हैप्पी क्रिसमस की बधाई देना हाँ। अज असी बड़ी ही खुशी दे नाल पूरे हुम आ के असी प्रभु के जन्मदिन मना रहे हैं जिद हज़ार के हिसाब न संगत आई हुई और अपने अपने गीत भजन गा के परमेश्वर की असी महिमा करते हैं। और मैं अगे तो मैं दो जरा 2023 आने वाला आ मैं इस मीडिया के द्वारा उन्होंने सारियां नवे साल की भी बधाई दिना आ और मैं विश प्रभु के अगे प्रार्थना करा कि प्रभु आने वाले समय के सबनों तंदुरुस्तियां बख्शे और हर तरह की बीमारी परेशानी तो परमेश्वर बचा के रखे। धन्यवाद। लड़कियों की मैरिज भी करवाई जाती है? हाँ, असी कान्हा गली यूनिवर्सिटी वालों साड़ी पूरी टीम ना मिल के जो साड़ी पूरी टीम बनी हुई है तो असी उन्होंने लड़कियां दी हर साल एक या दो लड़कियां दी असी गरीब लड़कियां दी शादी करते हैं। उन्होंने लड़कियां दी जिन्हां दे घर दे विच असी देखते हैं कि इन्हां नूं इह दाज नहीं दे सकते, जरूरी समान नहीं दे सकते, बरात की देखभाल नहीं कर सकते, पर असी हर साल असी अपनी टीम वालों फैसला लईदा आ तो असी जरूरी समान दे के उन्हां कुड़ियां नूं घर दे विच तोरीदा आ। बहुत वड्डा दिन है, क्रिसमस का शुभ त्यौहार है। मैं सारे इलाका निवासियों बहुत लख लख बधाई देना चाहना। ये त्यौहार ऐसा त्यौहार है कि सारी दुनिया से मनाया जा रहा है। इट्स अ वेरी बिग फेस्टिवल, बहुत बड़ा एक त्यौहार है ते बच्चे बड़े छोटे गरीब अमीर ये सारे ये त्यौहार नू मना रहे हैं। छुट्टियां का माहौल है, लोग आपके परिवारों के नाल इकट्ठे होकर इस त्यौहार नू बड़ी धूमधाम नाल मना रहे हैं ते मैं उस खुदा अगे उस रब अगे मैं अरदास करना कि सारे इलाके दे विच भरपी बख्शे, तंदुरुस्ती बख्शे, कामयाबी बख्शे, साडे बच्चे अगे पढ़ लिख के अगे वधन ते आपदे मापिआं दी आपदे इलाके दी आपदे पिंड दी आपदे नगर दी उह सेवा करन। अज इही अरदास है उस परमेश्वर अगे उस खुदा अगे उस वाहिगुरू अगे कि इह साडी अरदास कबूल करे। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। अमृतसर के सीमावर्ती क्षेत्र अटारी के गांव मेनिया राजपूता के खेतों में एक नौजवान का मिला शव, पारिवारिक सदस्यों ने हत्या का लगाया आरोप। जालंधर सीआईए स्टाफ की पुलिस ने तीन नशा तस्करों को किया काबू, 410 ग्राम हेरोइन एक कार की बरामद। धूरी पुलिस ने नाजायज हथियार रखने के संबंध में दो लोगों को किया गिरफ्तार, 32 बोर का देसी पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस किए बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।